इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार आज आपको सॉलिड वर्क्स 2018 सिखाऊंगा। यह हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको सॉलिड वर्क्स की बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे कि इसका इंटरफेस कैसा होता है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे न्यू पार्ट जनरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप डिजाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको मैकेनिकल डिजाइनिंग का मोस्ट पॉपुलर कैड सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क सिखाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सॉलिड वर्क्स का आइकन है जो पहले से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है। इसे ओपन करने के लिए इस आइकन पर दो बार क्लिक करना होगा। जैसे ही हम दो बार क्लिक करेंगे यह ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यह हमारा इंटरफेस है। यह होम का आइकन है। यह न्यू पार्ट जनरेट करने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा और बना हुआ पार्ट आपको ओपन करना है तो उसके लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा। तो आज हम न्यू पार्ट जनरेट करेंगे तो उसके लिए हमें यह न्यू पार्ट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम न्यू पार्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक न्यू पॉपअप विंडोज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर तीन सेक्शन दिखाई दे रहा है। पहला है पार्ट मॉडलिंग, दूसरा है असेंबली और तीसरा है ड्राइंग। पार्ट मॉडलिंग में हम न्यू पार्ट जनरेट करते हैं, असेंबली में हम एक से अधिक पार्ट को कंबाइन करते हैं और ड्राइंग सेक्शन में हम बने हुए न्यू पार्ट का डायमेंशन दिखाते हैं और इसमें स्केचिंग भी कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे न्यू पार्ट, तो उसके लिए हमें पार्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारे सामने इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सॉलिड वर्क्स मेन्यूज है, यहाँ पे फ्यूचर मैनेजर डिजाइन ट्री दिया हुआ है, यहाँ पे टास्क पेन है, यहाँ पे ट्राइड सिस्टम दिया हुआ है जिसका मतलब होता है ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक व्यूज। यहाँ पे आपका यूनिट सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका प्लेन सेक्शन दिया गया है जो थ्री टाइप का होता है। पहला है फ्रंट प्लेन, दूसरा है टॉप प्लेन और तीसरा है राइट प्लेन। आप चाहें तो इसे शो कर सकते हैं। यह हो गया फ्रंट प्लेन, यह हो गया टॉप प्लेन और यह हो गया राइट प्लेन। और आप चाहें तो इसे हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा एरिया वर्क स्पेस है जिसमें कि आप न्यू पार्ट बनाते हैं और फिर असेंबली करते हैं और ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आप यूनिट सेट करें कि आप किस यूनिट में आप अपना ड्राइंग बनाना चाहते हैं। यूनिट सेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेनी टाइप्स का यूनिट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पहला है MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, दूसरा है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तीसरा है MMGS मिलीमीटर ग्राम सेकेंड, चौथा है IPS इंच पाउंड सेकेंड। तो यूनिट आप अपने हिसाब से सेट करें कि आप किस यूनिट में ड्राइंग बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे MM में ड्राइंग बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए हमें MMGS पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने पर ये MMGS एक्टिव हो गया, मींस कि अब हमारा जो भी ड्राइंग बनेगा वो मिलीमीटर में बनेगा। ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि प्लान कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्केच टूल की मदद से स्केच ज्योमेट्री कैसे तैयार करते हैं और उसमें डायमेंशन कैसे देते हैं और स्केच को फुल्ली डिफाइन कैसे करते हैं।
तो हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।